सिविल अस्पताल कन्नौज में दस्तक अभियान का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाली बीमारियों और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए दिनांक 18 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें दस्तक दल जिसमें ANM, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में निर्धारित दिवस में घर घर जाकर स्वास्थ्य की दस्तक देंगे। इस दौरान दल द्वारा कुपोषण, अनीमिया, डायरिया, निमोनिया, जन्मजात विकृतियों की जांच, जन्म से दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों की, अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की जांच की जाएगी। प्रत्येक घर पर ORS पैकेट का वितरण किया जाएगा। हीमोग्लोबिन नोमेट से खून की जांच की जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को रेफर किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। अभियान का शुभारम्भ आज सिविल अस्पताल कन्नौज में माननीय विधायक महोदय श्री आशीष जी शर्मा द्वारा किया गया। दस्तक अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनका घर घर जाके हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दस्तक दी जाएगी। जैसा कि नाम से विदित है, दस्तक अभियान है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम जिसमें ANM, MPW, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये लोग घर घर जाएंगे। ये पूरे विकासखंड के सभी गांवों एवं शहरों में होगा, जिसमें घर घर जाके वो कोई निमोनिया से पीड़ित बच्चा हो या दस्त रोग से पीड़ित बच्चा हो या गंभीर कुपोषित बच्चा हो या जन्मजात विकृति का बच्चा हो या कोई और बीमारी का बच्चा, उन लोगों का परीक्षण करेंगे। अगर बच्चा सामान्य है, बहुत ज्यादा तकलीफ है नहीं, तो उसका वहीं घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई बच्चा गंभीर है, गंभीर एनीमिया से पीड़ित है, उनकी हीमोग्लोबिन की जांच करके उनको उच्च संस्था के लिए रिफर करेंगे। ये अभियान 16 से 31 अगस्त तक चलना है। तो सभी कार्यकर्ता हमारे निरंतर प्रत्येक गांव में इस चीज के लिए दौरा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।